क्या किसका हुआ? एक्सीडेंट बाइक से? अच्छा, ब्लड की जरूरत? यार मैं तो ब्लड नहीं दे सकता यार, यार मैं दे चुका हूँ यार, डोनेट कर चुका हूँ ब्लड। चल मैं अरेंज करता हूँ, कहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल में? चल मैं ठीक है आता हूँ, सिटी हॉस्पिटल। ठीक है मैं अरेंज करता हूँ ब्लड। हेलो, हाँ समीन भाई, यार एक प्रॉब्लम है, प्लीज यार। यार सब में मेरे दोस्त है, उसके रिलेटिव है, करीब भी काफी, उनका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की जरूरत है, ओ पॉजिटिव, सिटी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज, मैं भी वहीं पहुँचा, प्लीज समीन भाई आ जाइए। ठीक है, हाँ समीन भाई, हाँ अरे भाई ऐसा है, मेरा दोस्त है, ब्लड की जरूरत है, उसके ऊपर रिलेटिव है, उनको ओ पॉजिटिव की जरूरत है। अच्छा अच्छा, तो कि मैं तो दे चुका हूँ ब्लड। यार ब्लड भूल गया भाई, ब्लड तो मैंने भी तुम्हारे साथ ही गया था देने। अरे हाँ यार, हम 3 महीने तक तो दे भी नहीं सकते, वही तो चक्कर है यार, 3 माह तक तो हमारे साथ वाइफ भाई नहीं रहते, उन्हें भी बुलाया था हम उस टाइम, तो उनसे आप थोड़ा कॉल करके पूछ लीजिए, मैं अरेंज कर लूँगा इस वक्त ब्लड। चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, भाई कहाँ हो भाई? बस पूछो मत, मैं इस टाइम सिटी हॉस्पिटल में हूँ, बस सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, बस यहाँ आ गया सीधा। जरा आ सकते हो? जरा फटाफट आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है आपसे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाई, समीन भाई बताओ। अरे यार मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे लिए आप कुछ कर सकते हो? आपके लिए जान आती है मेरी, आप एक बार कह के देखो। अरे यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आपको याद होगा दो अभी एक हफ्ते पहले आप हम तीनों का एक जगह जाने का प्रोग्राम था ब्लड डोनेशन में, वहाँ पे रमीज और मैं तो चले गए थे, आप आए नहीं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि आज रमीज के एक फ्रेंड है, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, तो एक बोतल खून की ज़रूरत है, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जान तो नहीं चाहिए आपकी, बस एक बोतल खून दे दें, उसकी जान बच जाएगी। अरे भाई समीर, आपको नई बकरा बनाने के लिए मिला हूँ, एक बोतल खून दे दो। अरे भाई कुछ नहीं होगा, हम भी तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, और मेरा भी तो मेहनत वाला काम है, तुम्हारा अगर मेहनत का माना थोड़ा सा ज्यादा है, बट मेरा भी तो मेहनत वाला काम है भाई। नहीं भाई देखो, मेरा मेहनत मजदूरी वाला काम है, तो मालूम है मैं इतने भारी भारी सामान उठाता हूँ, रात को कमर में दर्द रहता है, ऊपर से कह रहा हूँ एक बोतल खून दे दो। अरे यार खून इसके अलावा कोई और मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं खून नहीं ले सकता। यार वजह तो हो, क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने भी दिया, रमीज ने भी दिया, और दोनों की सेहत बहुत अच्छी है, आपको पता है खून देने से बीमारियां नहीं लगती। तो सही तो कह रहा हूँ, खून देने से बीमारियां लगेगी, जब ना खून होगा ना बीमारी। यार बात करते हो अपनी भाई, किसी ना मन ना लोगन ते लोगन ना राधा ना चेगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा खून ना होगी बीमारी। तो भाई आपके आप गलत सोच रहे हो, खून देने भाई एक बात सोचो ना, खून देने से किसी की जिंदगी बच जाएगी, कितना सवाब का काम है। खून देने से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी की जान चली जाए। अरे भाई नहीं जाएगी, मेरी बात मानो, एक बोतल खून से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने के अंदर वापस उतना खून बन जाता है। एक एक खून कितनी मेहनत से बनाया जाता है, खून है, कितनी हरी सब्जियां खानी पड़ती है, अगर क्योंकि 3-4 किलो गाजर खानी पड़ती है, तब जाके जो थोड़ा सा खून बनता है। अरे यार एक बात बताओ, अगर सभी इस तरह से सोचने लगेंगे तो बताओ कैसे क्या चले, कैसे चलेगी दुनिया? अगर मान लो आपके किसी करीबी रिश्तेदार की इस तरह से एक्सीडेंट हुआ होता तो आप भी यही कहते? देखो रमीज भाई, समीन भाई, आपके लिए जान आती है, अगर आपको खून चाहिए होता या आपके किसी फैमिली मेंबर को खून चाहिए होता तो मैं एक बात को 1% में राजी हो जाता, मगर आप देखो दूसरे के लिए मुझसे कह रहा हो खून के लिए, भाई देखो मैं दूसरे के लिए खून नहीं दे सकता, आपके लिए जाना दे रहे। अरे अरे यार असल में मैंने रमीज से वादा कर लिया है कि मैं अरेंज कर दूंगा यार, थोड़ा सा मुझे इतना चिंता मत करो, आपका तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आपके तो इतने सारे दोस्त हैं, कोई ना कोई राजी हो जाएगा। भाई देखो मेरा मेहनत मजदूरी वाले काम है, आप मुझे इतना ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना काम छोड़ के मेरे पास सिटी हॉस्पिटल तक आए, बाकी इसके अलावा कुछ और काम हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए,
लेकिन खून नहीं दे सकता मैं आपको। चलो ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ फिर एक बार। चलिए ठीक है फिर भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। हेलो, हाँ रमीज भाई, वाहिद भाई ने तो मना कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि अब किससे अरेंज करूँ। अच्छा, हो गया अरेंज? यार बहुत बढ़िया भाई। चलो ठीक है फिर, आप हॉस्पिटल ले आओ। फिर एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैंने भी ब्लड दे रखा है तो मेरा तो बनता नहीं यहाँ पे। और बस यही दुआ करूंगा आपके दोस्त के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाय फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एक्ट आपके लिए फिल्मी जंक्शन की तरफ से था, ब्लड डोनेशन के लिए सोशल अवेयरनेस। आज बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं और ब्लड नहीं देते हैं। अगर हम सब मिलके इस हिचकिचाहट को दूर कर दें और ब्लड डोनेशन में आगे बढ़कर आए, खास तौर से हम यंग जनरेशन, 3 महीने के अंदर खून की रिकवरी हो जाती है, जिसमें कोई कमजोरी नहीं आती, खाना पीना आप सबका अच्छा है और सेहतमंद लोग सबसे बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आएँ। और बस मेरा एक सोशल अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा यही मैसेज था आप सबके लिए। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिल्मी जंक्शन। थैंक यू वेरी मच।